हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र, पोषण एवं उपापचय से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इससे पहले मैं मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड सेल आदि से रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ये है आपका पाचन तंत्र से एवं पोषण से रिलेटेड। एंड दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी टीजीटी 2023 एग्जाम जल्द ही होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर तक जल्द ही जारी होने वाला है। आपके पास टाइम नहीं है, इस सबको देखते हुए चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक का रिवीजन एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए मैं करा रही हूँ, जिसे आप डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। एंड दोस्तों, यह केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज फिजिकल एजुकेशन के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, शरीर में मुख्यतया वसा जमा होता है। फैट इज मेनली स्टोर्ड इन द बॉडी। तो जो फैट होता है बॉडी में, किस रूप में स्टोर होता है, तो वह जो भी हम वसा चीज खाते हैं वो जाके बॉडी में बन जाता है ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड एंड एडिपोज टिश्यू की तरह, यह हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे जमा होता है। तो वसा जो है हमारे शरीर में जाकर के फैटी एसिड या ग्लिसराइड में बदल करके एडिपोज टिश्यू के नीचे जमा होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में बदल करके ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है। एंड जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड के रूप में शरीर में एकत्रित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं है। दैट एलिमेंट ऑफ फूड विच द बॉडी इज नॉट एबल टू स्टोर। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बॉडी जो है स्टोर करने के लिए एबल नहीं है, वो होता है आपका विटामिन। क्या होता है? विटामिन। क्योंकि वसा जो है फैटी एसिड के रूप में एकत्रित रहता है एडिपोज टिश्यू के नीचे, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि विटामिन जो होता है जितना हमको शरीर को आवश्यकता होता है उससे अधिक अगर ले रहे हैं तो वह एकत्रित नहीं होता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण खंड है। तो मानव शरीर का जो निर्माण खंड कौन है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि निर्माण खंड कौन है? तो पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले रोगों से। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले आपके कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, एंड शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन, और रक्षा करने वाले रोगों से विटामिन एंड खनिज लवण। तो निर्माण खंड कौन है दोस्तों? तो निर्माण खंड जो है आपका निर्माण करने वाला, कोशिकाओं को मरम्मत करने वाला, टूट फूट को मरम्मत करने वाला होता है प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा का है वो हमको ऊर्जा देता है। विटामिन एंड खनिज लवण क्या करते हैं? वो रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन जो है वो शरीर में एकत्रित रखने में सक्षम नहीं होता, जैसे कि विटामिन की सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के सामान्य उपापचय के लिए आवश्यक होता है। यह क्या करता है? विटामिन जो है उपापचय क्रिया में सहायक होता है। विटामिन क्या करता है? सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर में उपस्थित होता है। ऊर्जा प्रदान नहीं करता विटामिन, परंतु अन्य ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं उनके निर्माण तथा उनके सही उपयोग पर नियंत्रण होता है, यानी कि अर्थात उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए विटामिन आवश्यक है। इसीलिए विटामिन को वृद्धि तत्व, ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में उपस्थित विटामिन हो जाता है तो वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, छोटे बच्चों के आहार में
What should be the maximum quantity include in the diet of small children? तो छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए, तो क्या शामिल होना चाहिए? प्रोटीन, प्रोटीन शामिल होना चाहिए। यानी कि प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन नए उत्तकों को बनाता है, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत करता है, मानव शरीर के निर्माण खंड इसे बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। और प्रोटीन त्वचा प्रोटीन जो है त्वचा मांसपेशियों हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। इनकी कमी से बच्चों में शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, अतः छोटे बच्चों में आहार की अधिकतम मात्रा किसका होना चाहिए? प्रोटीन का। जैसे कि छोटे बच्चे ज्यादातर दूध पीते हैं, यानी प्रोटीन ज्यादा उनको जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू रिपेयर द टर्न मसल्स ऑफ द बॉडी। तो मांसपेशियों को रिपेयर के लिए, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है, तो व्हाट वेयर डज प्रोटीन गेट ब्रोकन डाउन लॉस्ट। तो दोस्तों प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है हमारे शरीर में जाकर के? अमीनो अम्ल में। और कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से किससे टूटता है? ग्लूकोज में। वसा अंतिम रूप से किससे टूटता है? ग्लिसराल फैटी एसिड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? तो इनमें से कौन सा दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? तो कौन सा होता है? Which of the following milk protein is an ethnic element? तो दूध का प्रोटीन जातीय तत्व होता है केसीन। क्या होता है? केसीन। केसीन एक फास्फो प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। फास्फो प्रोटीन्स फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग जो होता है, हल्का पीला रंग, केसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। याद रखिएगा, धातव्य है कि दूध पूर्ण आहार यानी कि एक कंप्लीट डाइट माना जाता है। इसलिए दूध को क्या कहा जाता है? संपूर्ण आहार, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड। कहाँ पे पाचन होता है दोस्तों? तो जैसे ही हम मुख में भोजन लेते हैं तो हमारे मुख में लार ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद भोजन नल यानी कि आइसोफेगस से होता हुआ भोजन जाता है अमाशय यानी स्टोमक, जिसे पेट भी कहते हैं, वहां पे उसका मुलाकात होता है HCl से। और ये तो अम्ल हुआ, HCl और एंजाइम होते हैं जठर ग्रंथि से निकलने वाले, HCl निकलता है जठर ग्रंथि के जठर रस में, HCl होता है। और एंजाइम होते हैं पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, रेनिन जो होता है दूध को पाचन करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है पित्त रस के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है, वसा को फैटी एसिड ग्लिसराल में बदलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। उसके बाद आपका अमाशय में तो प्रोटीन का पाचन हुआ, उसके बाद पैंक्रियाज यानी अग्राशय से एंजाइम निकलते हैं एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज होता है वो ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है फैट का, उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन होता है जो अमाशय में आपका पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदला रहता है, उसी पेप्टोन को फिर पॉलीपेप्टाइड या फैटी अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
अमाशय में यानी कि उदर यानी पेट में और छोटी आंत में जो अग्नाशय रस होता है छोटी आंत के पहले भाग जो डेडुनम होता है वहां पे आके सभी मिलता है। तो एंजाइम एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन अग्नाशय में जरूर उत्पन्न होता है लेकिन आकर के मिलता है भोजन में छोटी आंत में, इसलिए प्रोटीन का पाचन होता है उदर में और छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, उदर में यानी कि इन द स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि विच फूड सप्लीमेंट डू एथलीट टेक टू डेवलप इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग एंड प्रिवेंट मसल्स ब्रेकडाउन। तो इसके लिए कौन सा खिलाड़ी फूड सप्लीमेंट लेते हैं दोस्तों, तो मसल्स ब्रेकडाउन को लेने के लिए यानी कि उसको निमरमत करने के लिए तो हमेशा प्रोटीन लिया जाता है। तो प्रोटीन के रूप में जो मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है ग्लूटामाइन। क्या नाम है? ग्लूटामाइन। तो इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं, तो ग्लूटामाइन लेते हैं। ग्लूटामाइन एक अल्फा अमीनो अम्ल है जो शरीर में यह प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने हेतु खिलाड़ियों द्वारा फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम अनुमानित अधिकतम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है, तो प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो होता है 15 ग्राम। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट इनटेक पर किलोग्राम आर बॉडी वेट, तो कितना होता है 15 केजी, 15 ग्राम प्रति केजी, जबकि एक घंटे में कितना होता है 0.1.3 होता है। कितना होता है? जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह एक साधारण व्यक्ति वयस्क व्यक्ति के लिए एक घंटे में 1.3 कैलोरी प्रति केजी आप बॉडी वेट की आवश्यकता होती है एक घंटे में, और जब दिन भर में एक केजी के लिए 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। एंड ट्रेनिंग के दौरान एथलीट को एक घंटे में कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है 8.5 कैलोरी प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट की आवश्यकता होती है। और एक साधारण व्यक्ति है जिसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता प्रतिदिन 300 ग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना बताया गया है। औसत कार्यशील महिला अगर है, औसत दर्जे का कार्य कर रही है, हाउ मच प्रोटीन इज रिकमेंडेड फॉर ए एवरेज वर्किंग वुमेन पर डे। तो एक एवरेज वर्किंग वुमेन है तो उसको पर डे कितना प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46 ग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इज इन एग, एग्स। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों अंडे में दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है आपका एल्ब्यूमिन, एक होता है वाइटेलिन। एल्ब्यूमिन अंडे के सफेद भाग में मिलता है और वाइटेलिन अंडे की पीला वाले भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पे सीधे पूछा है कि अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबुलिन रक्त में पाया जाता है, कैसिनोजिन दूध में पाया जाता है, ग्लूटिनिन गेहूं में अनाज में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? एल्ब्यूमिन। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। और दूध में भी एल्ब्यूमिन पाया जाता है जिसे लैक्ट एल्ब्यूमिन कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि प्रोटीन किस को मजबूत बनाता है।
प्रोटीन किसको मजबूत बनाता है? व्हाट डज प्रोटीन स्ट्रेंथेन? तो यह बनाता है पेशी ऊतक को, मसल्स टिश्यू को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर में प्रोटीन का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? 17%। कितना होता है? 17%। 60 से 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 15 से 20% आपका प्रोटीन होता है, 25 से 30% आपका वसा का होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यकता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक है? तो कौन है दोस्तों स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए हेल्दी डाइट? तो हेल्दी डाइट के लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट यानी आवश्यक घटक कौन सा है? तो यह है पानी यानी कि वाटर। वाटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो वाटर है। वाटर यानी कि जल स्वास्थ्य आहार का एक आवश्यक घटक है, जबकि हमारा बॉडी भी 70% जल से ही बना हुआ है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जैविकीय दृष्टिकोण से जल में कई प्रकार के विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जल स्वस्थ आहार की दृष्टि से एक आवश्यक घटक माना जाता है, जबकि मानव शरीर लगभग 60 से 70% भाग मानव शरीर का जल से ही बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर का 70% हिस्सा बना होता है, तो 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ, तो बॉडी का 70% हिस्सा किससे बना होता है? वाटर यानी कि पानी से। यानी कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जल यानी वाटर से है, इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। हालांकि एक नवजात बच्चे के शरीर में इसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है, वयस्क पुरुष में 60 से 70%, जबकि वयस्क स्त्री में इसका भार 55 से 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? हाउ मच पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स? यानी कि मिनरल्स जो है खनिज तत्वों से मानव शरीर का कितना हिस्सा बना होता है? तो दोस्तों 4%। कितना हिस्सा बना होता है? 4%। जबकि 96% भाग किससे बना होता है? 96% भाग बना होता है, जैसे कि हमारे शरीर के लिए 21 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपका 96% भाग कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि से बना होता है। एंड 4% भाग बना होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी कि खनिज लवणों से, खनिज तत्वों से बना होता है, जिसमें से मुख्य खनिज लवण आपका यानी मेजर मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। अब माइनर मिनरल्स यानी कि लघु खनिज लवण होते हैं जैसे मैक्रो या ट्रास मिनरल्स भी कहते हैं, जैसे कि जो कम मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है वो होता है आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सोलिनियस एंड फ्लोरीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, अर्थात कितने ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सोडियम शुड नॉट बी टेकन मोर देन 1.7 ग्राम पर डे, i.e. हाउ मैनी ग्राम्स आर साल्ट पर डे? तो 5 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित कौन करता है? व्हाट इज स्टिमुलेट्स द एक्शन ऑफ इंसुलिन? तो इंसुलिन की हरकत को कौन उत्तेजित करता है? इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसकी कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिससे जो है शुगर की मात्रा, स्टार्च की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। ये इंसुलिन जो है पनीर, सीरा, हरी सब्जी, फूलगोभी में पाया जाता है। तो इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित कौन करता है? वो होता है आपका क्रोमियम। कौन होता है? क्रोमियम। तो क्रोमियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, जो इंसुलिन के कार्य को उत्तेजित करता है। इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, जैसे कि आपको पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? तो विच द इज द एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर द बॉडी? तो शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है, जैसे कि अमीनो अम्ल जो है हमारे शरीर के लिए में 20 से 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 9 आपके अनिवार्य यानी एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं और 13 अनावश्यक होते हैं जो शरीर स्वयं निर्माण करता है। और जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 9, वो भोजन से प्राप्त होता है। तो 9 आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो भोजन से प्राप्त होता है और 13 अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होता है वो शरीर स्वयं निर्माण करता है भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल है 9, वो भोजन से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से हैं आवश्यक अमीनो अम्ल? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रेओनाइन, वेलिन, ट्राप्टोफान, हिस्टिडिन, ये सभी हैं आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। एंड 13 अमीनो एसिड जो होता है वो अनावश्यक होता है, जो बॉडी स्वयं बनाती है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों आवश्यक अमीनो अम्ल? इससे ऑप्शन में हो जाएगा लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाइसिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव किशोर के लिए आवश्यक सूचना तत्व है? मानव शरीर के लिए आवश्यक सूचना सूक्ष्म तत्व है, यहां पे सूचना तत्व नहीं होगा दोस्तों, सूक्ष्म तत्व होगा। तो यहां पे आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है दोस्तों? तो हम अभी जस्ट बताए हैं जो खनिज लवण है उसको 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज लवण और लघु खनिज लवण, यानी मेजर यानी मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स, सूक्ष्म मिनरल्स। तो यहाँ पे जो हम बताए थे अभी कि जो मेजर मिनरल्स यानी मुख्य खनिज लवण है वो शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में शरीर के लिए आवश्यकता 1.5% होता है, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.1%। एंड ए हुआ आपका ज़्यादा जरूरत जो मेजर मिनरल्स हुआ, जो कि माइक्रो मिनरल्स में कौन है? सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं, ये कम मात्रा में शरीर को जरूरत होती है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सेलेनियम एंड फ्लोरीन। तो इसमें कौन है सूक्ष्म पोषक तत्व? विच आर द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एसेंशियल माइक्रो मिनरल्स, यहाँ इंफॉर्मेशन की जगह माइक्रो होगा दोस्तों, माइक्रो एलिमेंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे माइक्रो होगा याद रखिएगा, MICRO, ठीक, इंफॉर्मेशन की जगह माइक्रो होगा। तो माइक्रो एलिमेंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आयोडीन एंड लोहा, बी और सी क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, जबकि मैग्नीशियम और सोडियम क्या है?
मुख्य खनिज लवण है यानी कि मेजर मिनरल्स हैं। अब आयोडीन और लोहा जो है वो सूक्ष्म तत्व हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों से बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तीन का नाम दिया है, तीन का आपको नाम चूज करना है। अबाउट 99% फॉर एवरी पर्सन में मास इज मेड ऑफ ए 6 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बना होता है। और तीन कौन सा है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। तो जो हमारे शरीर का जो संरचना है उसमें 99% भाग 6 तत्वों का मूल महत्व होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, विच आर द इम्पोर्टेंट इन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फिश। तो कौन सा होता है, ओमेगा 3। मछली में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है, ओमेगा 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इज इट नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, उचित पोषण यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, नियमित व्यायाम, प्रॉपर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, उचित रहन सहन, प्रॉपर लिविंग, उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका आवश्यक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण भी आवश्यक है, नियमित व्यायाम भी आवश्यक है, उचित रहन सहन भी आवश्यक है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ अवस्था है, न कि खाली रोगों से दूर रहना। थॉमस जेफरसन ने कहा है कि केवल एक ही धन है, वह है स्वास्थ्य। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो द डिजीज कॉल्ड गोइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो किसकी कमी से, गोइटर यानी कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है, जिसमें गर्दन भी फूलकर मोटी कालर जैसी दिखाई देने लगती है। आयोडीन का स्रोत दूध है, समुद्री भोजन है तथा आयोडीन युक्त नमक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, अनुवांशिकता भी है यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, आहार है, अच्छा आहार करेंगे तो हमारा वृद्धि अच्छा होगा, व्यायाम है यानी कि मसल्स ग्रोथ, शरीर की स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है, यानी तीनों चीजें, अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, डाइट, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी चीजें वृद्धि को प्रभावित करती हैं, हेरिडिटी, डाइट एंड एक्सरसाइज यानी अनुवांशिकता, आहार एंड व्यायाम। नेक्स्ट है, टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन इज फाउंड इन, तो टाइलिन पाया जाता है लार में, मुख में लार स्त्रावित होता है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तीन एक तरफ, तीन दूसरी तरफ, कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है, जोड़ी में पूछेगा तो 3 जोड़ी यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, दोनों तरफ तीन तीन पाए जाते हैं, तीन जोड़ी, जिससे लार निकलता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भोजन हम लेते हैं उसका पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन का प्रारंभ कहाँ पे होता है, मुख से ही पाचन आरंभ हो जाता है, और भोजन का पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी यात यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पायसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि द एंजाइम बाय विच फैट इज डाइजेस्ट आफ्टर
इमल्सिफिकेशन इज कॉल्ड। तो जो पित्तरस होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन एंड वसा को पाचन में सहायता करता है, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन पारसीकरण। उसके पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा होता है तो वो किसकी सहायता से, किस एंजाइम की सहायता से करता है, लाइपेज एंजाइम की सहायता से पित्तरस के साथ मिलकर। तो कौन राइट होगा, लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम आपके पैंक्रियाज अग्नाशय से स्थापित होता है, जो जा करके छोटी आंत के प्रथम भाग जहाँ पे अग्नाशय नली और पित्ताशय नली दोनों जुड़ा रहता है, तो पित्तरस से पित्ताशय आकर मिलता है भोजन में, पित्ताशय से पित्तरस आकर मिलता है भोजन में, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलता है, जिसमें से एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज पित्तरस के साथ मिलकर वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है, अभी जस्ट बताई हूँ, हाउ डज एमाइलेज एंजाइम वर्क। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन तीनों पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है, जो जा करके छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम में मिलता है भोजन में, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, तो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट पर, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, इसको हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस यानी कि विच ग्रोथ विच ऑर्गन अफेक्टेड बाई जॉन्डिस, तो किसको इफेक्ट करता है, लीवर को यानी यकृत को, यानी कि पीलिया को जॉन्डिस या हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, एक घातक रोग है जो जिसमें यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से ही बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती। दोस्तों जो मरे हुए आरबीसी होता है, रक्त होता है, उसी से यकृत जो है बिलिरुबिन का निर्माण करती है। जो जब किसी संक्रमण के कारण की वायरस के कारण यकृत खराब हो जाता है, और जिसके कारण कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा रक्त का विघटन हो रहा है, उस कंडीशन में यकृत से ज़्यादा बिलिरुबिन का निर्माण होने लगता है, जिस कारण यकृत की जो रक्त से बिलिरुबिन को अलग करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण रक्त में बिलिरुबिन जो है वह तैरने लगता है, और बिलिरुबिन पीला होता है, तो पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, तो इसे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं, इसी को पीलिया कहते हैं। इसके उचित उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों आज के सेशन में ये 30 क्वेश्चन है, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड दोस्तों इसी तरह डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।